अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TS9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। राना तबस्सुम, नेशनल डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो शहर हैदराबाद पहुंची हैं, जहां उन्होंने और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में शिरकत की और इस दौरान तमाम तंजीमों के जिम्मेदारान भी मौजूद रहे और जो के इस कैरखार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि मोहम्मद अब्दुल रऊफ स्टेट चीफ डायरेक्टर तेलंगाना इंडिया, मोहम्मद यूसुफ अली स्टेट डायरेक्टर तेलंगाना इंडिया, शेख साले स्टेट वाइस चेयरमैन तेलंगाना इंडिया, परमिंदर सिंह सेठी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिकंदराबाद तेलंगाना इंडिया, मोहम्मद निशाद अहमद डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैदराबाद तेलंगाना इंडिया, शेख आबिद एग्जीक्यूटिव मेंबर हैदराबाद तेलंगाना इंडिया, इन तमाम ने शिरकत करते हुए इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को मुनक्कद करते हुए कामयाब बनाया। मेरा नाम अजवर खान है। मैं निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। पहले तो राना तबस्सुम मैडम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा और इस डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट मुझे अपॉइंट किया। हम लोग यहाँ पर हैदराबाद आए हुए हैं कि ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फाउंडेशन की बॉडी बनाने के लिए। यहाँ पर जो हमारे रऊफ साहब थे, परमिंदर साहब थे, हम लोग इन लोगों की काबिलियत को देख के मैडम ने इन लोगों को ऐसा अपॉइंट किया है। मैं जो गुजारिश ये करता हूँ कि हम लोग इंशाल्लाह जो भी इंसानी हकूकात है, जो इंसानी हकूकात से लोग महरूम हैं, जो अपने राइट्स के लिए सब कुछ होते हुए भी उनके प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स नहीं रहते, वो अपने राइट्स से महरूम रहते हैं, मैं हमारी टीम से गुजारिश करूँगा कि उन लोगों से मिले, उन लोगों से मिलकर उनकी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनको सॉल्व करें। और मैं कोशिश यही करूँगा कि हम लोग एक टीम वर्क हमारा अच्छा बने रहे और हम लोग आवाम की खिदमत कर सकें। शुक्रिया। नाज़रीन, फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।